गाइस क्या खतरनाक बारिश लग रही है अपने उत्तराखंड में। आप देख सकते हैं नदी भी कितने उफान पर है, अलकनंदा और पिंडर नदी। गाइस पीछे ना गर्लफ्रेंड बर्फ जा रहे हैं पसंदेदार के तरफ और नदी का देखो उफान। जाएंगे सुरंग से होते हुए तो हेलो गाइस क्या कह सकते हैं आपको, अभी 12 से ऊपर ही बज गए हैं तो गुड आफ्टरनून ही बोल देते हैं। तो आज का हमारा ये ट्रैक होने वाला है बसु केदार का। बसु केदार आना भी मेरा पहली बार हो रहा है और ये पड़ता है उत्तराखंड में, जो है कि करण प्रयाग आएंगे आप और करण प्रयाग से आप सीधा आएंगे पोखरी वाली रोड पे, फिर गेट ये बना है तो ये तो होगा। रास्ता तो मुझे भी नहीं पता यार, यहाँ पर से ऊपर को भी है पर गेट भी बना है तो मुझे लगा शायद सीधा ही होगा। तो मैं क्या कह रही थी कि दोस्तों करण प्रयाग से आप पोखरी के लिए रोड पकड़ोगे, बीच में खाल पड़ेगा तो खाल के जस्ट रोड के ऊपर ही बसु केदार जी का मंदिर है। नीचे पे गेट भी बना हुआ है, स्पष्ट तरीके से दिख जाएगा। फिलहाल रास्ता कुछ इस प्रकार से है, यहाँ का पीछे भी है और अपने शहर में तो काफ़ी गर्मी हो रही है, यहाँ काफ़ी ठंडा लग रहा है। फिलहाल तो 2-3 दिन से बारिश भी हो ही रही है बट यहाँ थोड़ा ठंडा माहौल बना हुआ है। नीचे पुजारी जी मिले तो कह रहे थे जल्दी हो आओ, मंदिर बंद भी होने वाला है तो जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ठंडा लग रहा है, काफ़ी अच्छा और मन को शांति सा महसूस हो रहा है। बाकी कीड़े मकोड़ों की जीं 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 की आवाज़ आ रही है क्योंकि जंगल में तो ऐसे होता है, सन्नाटा और कीड़े मकोड़े जानवरों की आवाज़ ही है ना। तो दोस्तों मंदिर आ चुका है बसु केदार जी का, शायद यही है, यही है, उससे ऊपर भी है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान, शिव जी, दुर्गा, गणेश जी है, पार्वती कुंड, अष्टवसु, यहीं से भगवान शंकर को अर्पण हेतु जल ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो गाइस तो यहाँ पर से जल ले जाना है, हम तो कुछ भी नहीं लेके आए पापा। कहाँ से ले जाना पानी, पानी की हालत तो ऐसी हो रखी है, पत्ते पत्ते पानी तो है ही नहीं। बाकी यहाँ मुझे लग रहा कुंड यहाँ नीचे है तो पानी शायद यहाँ से निकालना होगा। पानी कैसे ले जाने पर क्या क्या बोतल ही नहीं। बाकी जंगलों में जो है कि पूरे के पूरे चीड़ के वृक्ष हैं, पता नहीं मंदिर कितना दूर है लेकिन काफी आनंद आ रहा है ट्रैक करने में। मेरे तो पैर की हालत ऐसी और की पट्टी लग रही है, तभी भी लगी हुई हूँ। अब क्या करें भोलेनाथ जी, मुझे जहाँ बुलाएंगे काजू जी वहीं आएगी। यहाँ पर ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है भाई, नहीं आता। कुंड रह गया नीचे यार, मंदिर पानी का ऑक्सी दोस्तों 2-3 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं और पीते हैं पानी। पता नहीं कितना ऊपर है यार, रास्ता तो बहुत लंबा लग रहा है खड़ी चढ़ाई का।
लीजिए बाबा को, पिताश्री को बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहाँ होगा मंदिर इतना छोटा सा? वो तो कहा, उस पर तो ये लिखा है ना कि कुंड से पानी ले जाओ, ऊपर चढ़ाए तो मतलब मंदिर वो नहीं है। चलिए बाबा भोलेनाथ जी, मैं तो आज कहीं और का जाने का सोच रही थी, आपने तो भसु केदार बुला दिया और यहाँ तो ऐसी चढ़ाई एकदम तुंगनाथ वाली हाई लेवल वाली खड़ी खड़ी बीच बीच में। देखिए भाई पीछे, बाकी सामने का व्यू भी देखिए, मेरी तो पूरी पट्टी निकल चुकी है यार। आसमान ने थोड़ा काम करते हैं, कृपा कर रखी है, बारिश रुक रखी है, वरना सुबह से तो आज बारिश ही पूरी लग रही थी। हालत पैर दुख रहा ना ऐसे में, नीचे से पूरा हुआ था। बाकी गड़दा नहीं करेंगे, अपने जेब में ले जाएंगे। राजा देखिए सारे गिर रखे हैं रास्ते में। हरा हरा महादेव, हर हर महादेव, भोले भोले। कितना दूर है बाबा? ओ भाई इतने नीचे से आए हम, जहाँ दिख रही हो गाड़ी में। सो गाइज, हल्की बूंदा बांदी शुरू होने लग गई है और आज हमारे पास रेनकोट भी नहीं है, सिर्फ दो छाते हैं। यहाँ आने का तो कोई प्लान नहीं था, क्या ही बोले, भगवान शिव की महिमा। बाकी दोस्तों, अभी इस जंगल में सिर्फ मैं और पापा हैं, बाकी कोई नहीं है। बाकी एक पंडित जी होंगे अभी वहाँ मंदिर में, फिलहाल मुझे मंदिर नहीं दिख रहा है तो मैं क्या ही बोलूँ कि कहाँ पर है। पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, बारिश भी हो रही है साथ साथ में। भम भम भोले, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, और यहाँ से नीचे पूरा देख ही लो यार। अरे पापा को तो पता ही नहीं था कि यहाँ चढ़ाई है, वरना पापा तो गांव से नहीं आए हम, किसी बस के तार गांव तो नहीं गए हैं, गांव तो नहीं गए। बसु केदार किसका गांव होगा? मंदिर कोई दिखाई दे रहा? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, वही तो पूछे भी किसको यार।
गाइस, एक इस वीडियो के लिए वासुकेदार के लिए लाइक करना प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरे से बोला नहीं जा रहा है, चढ़ाई पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। कितना ऊपर जाना है यार, अभी तो मुझे तो पता भी नहीं है।